नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, द नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जारी की गई अधिसूचना में क्या कुछ बातें कही गई हैं, आइए आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। अधिसूचना के मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि गुरुवार को ही यूपी सरकार ने आपत्तियां निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके साथ ही तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा। वहीं चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा। पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की सूची को विभागीय वेबसाइट यानी www.panchayatiraj.up.nic.in पर लाइव कर दिया गया है, जिसके होम पेज के मेन मेन्यू में पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 नामक लिंक से जन सामान्य त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण और आवंटन की सूची प्राप्त की जा सकती है। वहीं सीतापुर की 3 ग्राम पंचायत और गोंडा की 9 ग्राम पंचायत के साथ साथ बहराइच की 1 पंचायत में कार्यकाल पूरा न होने के चलते वहां पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहला चरण 15 अप्रैल को, दूसरा 19 अप्रैल को, तीसरा 26 और चौथा चरण 29 अप्रैल को होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस दिन किस जिले में वोटिंग होगी। पहला चरण 15 अप्रैल को, पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी, यानी कि सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में मतदान होगा। दूसरा चरण 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग होगी। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में मतदान होगा। तीसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग होगी। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में मतदान होगा। चौथा चरण 29 अप्रैल को, चौथे चरण में 17 जिलों में वोटिंग होगी। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में मतदान होगा। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है। अगर ऐसे में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी अभिलेखों की तैयारी भी शुरू कर दे, वरना नामांकन के समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।